अभी कुछ महीने पहले ही ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन कंपनी ने इंडियन कंग्लोमरेट वेदांता के साथ अपने बने जॉइंट वेंचर को तोड़कर गुजरात में बनने वाले 19.4 बिलियन डॉलर्स के सेमीकंडक्टर फैक्ट्री प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा ब्लो था भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के सपने पर। हमने भी इस विषय पर एक वीडियो बनाया था कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में। पर अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया है जहां पर अमेरिकन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में अपने सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट के लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन कंपनी को चुना है और आज हम माइक्रोन के इस ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही इस बन रहे सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल के अपडेट्स को देखने के लिए व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूएस मेमोरी चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में अपने बड़े सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। यह भारत की पहली ऐसी फैसिलिटी है जो देश के चिप मैन्युफैक्चरिंग के इच्छाओं को बढ़ावा देगी। माइक्रोन ने हाल ही में किए गए शिलान्यास समारोह के अंदर एक फॉर्मल अग्रीमेंट करके सानंद टाउन अहमदाबाद के पास में सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को साथ चुना है। इस प्लांट के विकास को दो फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज में 5 लाख स्क्वायर फीट की एक क्लीन रूम स्पेस का निर्माण होगा जिसको लेट 2024 तक ऑपरेशनल करने के लिए शेड्यूल किया गया है। सोर्सेस के अनुसार पहले फेज के लिए जो खर्च आएगा क्लीन रूम बनाने के लिए वो होगा 4,000 करोड़ रुपीस का। अब दोस्तों यहाँ पे क्लीन रूम में थोड़ा समझा देता हूँ होता क्या है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि हो गया काफी ज्यादा शुद्ध पानी और बहुत ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट, क्योंकि एक छोटा नैनोमीटर लेवल का भी डस्ट पार्टिकल अगर किसी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बीच में आता है तो वो प्रोसेस जो है वो बिगड़ सकती है और सेमीकंडक्टर जो है खराब हो सकता है। इनफैक्ट क्लीन रूम्स बहुत ज्यादा क्लीन नैनोमीटर लेवल पे क्लीन करने के बावजूद बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती है उसकी जो यील्ड आती है फाइनली कितने चिप्स अच्छे से बने हैं वो रिलेटिवली 100% नहीं होती। तो आप समझ सकते हो कि ये साफ कमरा बनाना कितना जरूरी है और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ पर जो क्लीन रूम्स की हम बात कर रहे हैं ये किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री या इवन बहुत ज्यादा सेंसिटिव केमिकल इंडस्ट्री से भी ज्यादा क्लीन होनी पड़ती है। आप कह सकते हो दी क्लीनेस्ट रूम्स जो है दुनिया के अंदर कभी अगर होते हैं तो वो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में होते हैं और ये बनाने का काम जो है वो किया जाएगा 4,000 करोड़ के साथ में। टाटा प्रोजेक्ट प्लांट के लिए कुछ ऑपरेशनल पार्ट्स को भी यहाँ पर संभालेगी, जैसे कि चिप को पैकेज करने के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है उनका सोर्सिंग भी टाटा करेगी। या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट के दौरान घोषित किया गया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैसे $2.75 बिलियन की है, जिसमें माइक्रोन $825 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और केंद्र सरकार अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी के अनुसार लगभग 50% खर्च उठाएगी और गुजरात सरकार ने कहा है कि वो मदद करेगी लगभग 20% खर्च के साथ। माइक्रोन फेज टू के अंदर करेगी ये कि मास स्केल पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी, जिसमें फेज वन की तरह ही एक फैसिलिटी का निर्माण शामिल होगा। माइक्रोन का दोनों फेजेस में यहाँ पर निवेश जो होगा वो मिलकर $825 मिलियन का होगा और यहाँ पर ना सिर्फ ये लेकिन इसके कारण गुजरात के सानंद में 5,000 नए डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और आने वाले वर्षों में 15,000 कम्युनिटी के रोजगार भी स्थापित होंगे। कंपनी के असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग ATMP यूनिट को सानंद GIDC सेकेंड इंडस्ट्रियल एस्टेट में 93 acres ऑफ लैंड पर स्थापित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत का फर्स्ट वन ऑफ द काइंड DRAM, NAND, असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करेगी। DRAM एक मेमोरी चिप होती है जो आप जानते हो कि कई सारे डिवाइसेज में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंप्यूटर डिवाइस के अंदर इस्तेमाल होती है, जो प्रोसेस कोड को स्टोर करती है टेम्परेली, और NAND जो है वो बेसिकली हमारे जो SSD के अंदर में स्टोरेज वगैरह देखने मिलता है, जो लॉन्ग टर्म हमारे पिक्चर्स, वीडियोस और बाकी स्टोरेज क्या उसके लिए काम में आती है। सानंद फैसिलिटी को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लीड गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, जहां पर मॉडर्न एडवांस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम यहां पर होगा। इससे टाटा प्रोजेक्ट की सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी डिस्प्ले होगी, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने इंडिया को एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करने में मदद करेगी। यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि माइक्रोन के सप्लाई चेन के पार्टनर्स में इस स्थल पर यात्रा जो हमारी हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना शॉप सेटअप करेंगे। सप्लाई चेन एलिमेंट्स, विशेष रूप से एज्ड केमिकल्स और गैसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को फीड करेंगे, वे पहले से यहाँ है और वो यहीं पे सप्लाई भी की जाएगी, जिसकी वजह से वो ओवरऑल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और ये शुरुआत हो सकती है देश के ब्रॉडर सेमीकंडक्टर गोल्स के लिए। या माइक्रोन के साथ अग्रीमेंट होने के बाद में जो प्रोजेक्ट पे ग्राउंड वर्क शुरू हुआ है उसके अंदर 90 दिन का ही डिफरेंस है, यानी आप समझ सकते हो अग्रीमेंट से लेकर ग्राउंड वर्क में कितना कम समय लगा। करेंटली भारत के अंदर चिप्स की मांग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और
आने वाले वर्षों में 5 लाख करोड़ के ऊपर होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमें ये काम करना पड़ेगा। एक और जो छोटी अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई इसके साथ में वो ये भी है कि अहमदाबाद से लेकर जामनगर के बीच में जो वंदे भारत चलती है वो अब सानंद में भी स्टॉप लेगी, क्योंकि आने वाले समय में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का वैसे भी हिस्सा है। वैसे इस फैसिलिटी की तैयारी अगले साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, पर सोर्सेस के अनुसार पहले चिप प्रोडक्शन माइक्रोन की असेंबली साल 2025 के पहले क्वार्टर में शुरू हो सकती है, और कुछ जो सप्लाई चेन पार्टनर्स है उनको लोकेट करने की आवश्यकता भी बची हुई है, और उन सप्लाई चेन के लोगों को ढूंढने का काम गवर्नमेंट भी कर रही है। जो आईटी मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा है कि जो एंसिलरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करने वाली कंपनीज होंगी, यानी कोई ऐसे मशीन या ऐसी कोई चीज बनाने वाली जो इस एक्चुअल सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को काम में आने वाली चीजें बनाएगी, उनको भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है, ताकि एक पूरा चेन डेवलप हो सके, सारे पार्ट सप्लायर, सारे इक्विपमेंट केमिकल्स वगैरह सप्लायर्स का, जो कि इस इंडस्ट्री को डेवलप करने मदद मिले। करेंटली हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में यहाँ पर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स भारत में होना एक इंपॉर्टेंट बात है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी, जिसके वजह से जो हाई एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसका रास्ता खुलता है। हालांकि आप इसे कई लोगों ने ऑलरेडी कमेंट्स में लिख भी दिया होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये तो सिर्फ पैकेजिंग है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस एंड एक्सपेंसिव है, और कहीं ना कहीं पर शुरुआत जो है सीधे सीधे वहां से नहीं हो सकती, एक लेवल पे होने की जरूरत है। और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वहां पर पैकेजिंग टेस्टिंग ये भी कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के एंड प्रोसेस में, और इसके लिए ये कहीं ना कहीं पर एक शुरुआती स्टेप होगा देश के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए। इसके अलावा भी 2022 में इंडिया यूएस के ICAT या क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था इंडिया अमेरिका रिसर्च के लिए। इसके अलावा कई जो छोटी बड़ी कंपनीज है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन वाली, वो भी इंडिया के अंदर बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो या कर्नाटक में। तो ये इंडस्ट्री और इंटरेस्टिंग आगे जाके बनने वाली है इंडिया के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।